रिंगनोद कुएं में मिला हाट बाजार करने गए बुजुर्ग का शव। जांच में जुटी पुलिस। रिंगनोद समीप ग्राम गुमानपुरा के मजरा मवड़ी में एक कुएं में बुजुर्ग का शव मिला है। बुजुर्ग कल ग्राम तिरला में हाट बाजार करने गया था। मामले की जानकारी मिलते ही रिंगनोद चौकी प्रभारी सीताराम उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं शव को निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गुमानपुरा के मजरा मवड़ी में सुबह एक कुएं में बुजुर्ग का शव देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी रिंगनोद पुलिस चौकी पर दी। मामले की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एफएसएल टीम को सूचना दी गई। एफएसएल अधिकारी के मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक ग्राम मवड़ी निवासी किशन पिता नाहला रावत उम्र 60 वर्ष है, जो कल ग्राम तिरला में हाट बाजार करने गया लेकिन घर नहीं पहुंचा था। मृतक के शव को निकालकर पीएम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य यहां केंद्र सरदारपुर भेजा गया है। इधर एफएसएल अधिकारी पिंकी नेहड एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट गणेश पाटीदार तथा पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी है। धार जिले के रिंगनोद से राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गुमानपुरा पंचायत नगर पंचायत के अंदर एक मोरी ग्राम करके मजरा है, वहाँ इंदर सिंह का कुआं है। आज इंदर सिंह भिलाला अपने कुएं में मोटर चालू करने गए थे तो उनको लगा कि कोई कुएं में पड़ा है। देखे तो एक आदमी की लाश तैर रही थी पानी में। फिर सूचना दी उन्होंने, आकर के चौकी पे मैंने मर्ग कायम किया 174 जाप्ता फौजदारी का, और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर एफएसएल अधिकारी को मौके पर आने का निवेदन किया। जो उनके एफएसएल अधिकारी मैडम जो है धार से पधारी, उनके सामने जो है दो लोगों के सामने लाश निकाली गई कुएं से और फोटोग्राफी भी कराई गई। तो गांव के ही किशन पिता नहला भिलाला की लाश में, क्या उम्र है, 60 साल उम्र होगी करीब। ये कल शाम को तिरला हाट करने गया था, तो हो सकता है कि लौटते टाइम पैर फिसल गया हो। बाकी शरीर में कहीं चोट वोट के निशान नहीं थे और संभवतः पानी में कुएं के पानी में डूबने से ही मृत्यु हुई है और किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। पीएम कराने के बाद ही क्लियर हो पाएगा पूरी क्या बात है। नाम बताए। मैं कुंजी सीताराम उपाध्याय चौकी प्रभारी।